नमस्ते, जय श्री राम, सभी को राधे राधे। कुछ लोग फेक न्यूज, फेक वीडियो, फेक आईडियो चला रहे हैं। मैं उनको ये बता दूं कि हमारे फोन नंबर, हमारी सारी आईडीज आज भी जांच पे हैं और आगे भी मेरी जांच होगी, तो उसके लिए मैं पूरी पूरी तैयार हूँ। बिल्कुल मेरी जांच कीजिएगा, किसी को डाउट है तो मेरी पूरी पूरी बिल्कुल दोबारा से जांच कीजिए, उसके लिए मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ। और मैं भारत सरकार से, सुरक्षा एजेंसी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भारत में कुछ लोग रह के पाकिस्तानियों के साथ दिन रात बात करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं अलग अलग, उनकी भी जांच जरूर की जाए। और जो गुलाम हैदर के साथ मिले हुए, उनकी भी जरूर जांच कीजिए। और गुलाम हैदर मेरे साथ 5 साल से मेरे साथ रिश्ते में नहीं है, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो मैं उनसे यही कहूंगी, अपनी एजेंसी सुरक्षा भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है, उनसे यही कहूंगी कि गुलाम हैदर को भी गिरफ्तार किया जाए और उसकी भी जांच की जाए। हो सकता है वो जहादी जो आतंकवादी है उनसे मिला हुआ हो, और यहाँ के कुछ लोग हैं जो उनसे लगातार दिन रात बात करते हैं। मैं भारत सरकार से, सुरक्षा एजेंसी से, एनआईए से सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनकी भी जांच की जाए। मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ, आप मेरी भी जांच कर सकते हो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और भारत सरकार के मुझ पे एहसान है, आज मैं सुरक्षा हूँ, मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, तो यहाँ के कानून, यहाँ की सुरक्षा एजेंसी के एहसान है, वरना कब के ऐसे जहादी लोग मुझे मार चुके होते। क्योंकि वो लगातार पूरा 1 साल से ज्यादा समय हो गया है मुझे टारगेट कर रहे हैं, हर तरह से मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं भारत सरकार से, यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों से और एनआईए से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप उनकी भी जरूर जांच कीजिए। मैं भी जांच के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आप मेरी भी जांच कर सकते हो, कोई भी किसी को शक करे तो मेरी जांच कर ले, पर उन लोगों की भी जांच की जाए जो पाकिस्तानियों के साथ दिन रात बात करते हैं। और गुलाम हैदर मेरे साथ 5 साल से रिश्ते में नहीं था, वो पता नहीं वो किससे मिला हुआ है, किसके कहने पे वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है यहाँ की एजेंसियों से कि उनकी भी जांच की, जो यहाँ इस भारत देश में रह के जो उनसे बात करते हैं, उनकी भी जरूर जांच की जाए। इतना ही मैंने कहना था, क्योंकि बहुत सारे लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें, अफवाह उड़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो मैं उनको जो मैंने बताया कि मेरी आईडी, मेरे नंबर, हमारे अड़ोस पड़ोस के नंबर भी आज भी जांच पे हैं। मैं सांस भी लेती हूँ तो वो पता होता है, और सिक्योरिटी हमारे पास दिन रात रहती है, सीसीटीवी के कैमरे लॉग इन जो थाने में भी है और यहाँ भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं, मेरी जी जान, मेरी जिंदगी अब भारत देश के लिए है, क्योंकि भारत में मुझे बहुत प्यार, बहुत सम्मान, बहुत इज्जत मिली है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मरते दम तक वफा करूंगी मैं भारत देश से, क्योंकि मैं भारत देश को अपना देश मानती हूँ, सनातन धर्म मेरा भी धर्म है, तो मैं अपने धर्म के साथ, अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जहादी लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाता है, वहां की जहादी लोगों की वजह से। बस इतना ही मुझे आप सबसे कहना था कि फेक वीडियो, फेक आइडियो को इग्नोर कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आखिरी सांस भारत देश में होगी और भारत देश के लिए होगी। और जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, वो सारा सा दिख रहा है, उनके चेहरे से दिख रहा है कि उनके अंदर मेरे लिए कितनी आग है, कितनी जलन है उनके अंदर मेरे लिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहती हूँ, जय श्री राम कहती हूँ, बस इन चीजों से उनको तकलीफ है और मुझे परेशान करने की तरह तरह की कोशिश की जा रही है। तो मेरी यहाँ की एजेंसियों से, भारत सरकार से, यूपी पुलिस से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उन लोगों की जांच करें जो दिन रात खुद पाकिस्तानियों से बात करते हैं और गुलाम हैदर से बात करते हैं, और पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उनकी जरूर जांच की जाए। और अगर मेरी जांच होती तो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ, भले मेरी किसी तरह की भी आप जांच कर लीजिए, मैं तैयार हूँ। इतना ही कहना था, जय श्री राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।